Sir, RR members, there is no designation. That will be successful. If you go for any designation, then it will. RR members are equal. For somebody. RR members. RR members. यूपी में बिहार में वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटीज पॉपुलेशन कितना है 30% तेलंगाना में तेलंगाना बनने के बाद अपने बच्चों को ऐसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली। ये डैमेज सिर्फ हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, सेक्रेटरी का नहीं है, हमारे टीचर्स का नहीं, ये कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है। इसको प्रोटेक्ट करना, इसको आगे बढ़ाना आपका भी जिम्मेदारी, आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ऑफिसर परमानेंट नहीं है, मैं आज इधर रहूँगा, कल मेरा पोस्टिंग दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है, बट टेम्परेस हमेशा रहेंगे, आप रहेंगे। टेम्परेस इज प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी, दिस इज अ सोसाइटी, इसको हम सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो जरूर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, बट इसको साथ देना, उसका सपोर्ट देना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज नलगुंडा जिला और टाउन कमेटी नलगुंडा के टिमरिस रेसिडेंशियल स्कूल को हम लोग पहुंचे, और इसकी खास वजह यह है कि आज हॉनरेबल सेक्रेटरी ऑफ टिमरिस रेसिडेंशियल स्कूल्स जनाब शफीउल्लाह साहब यहां पे तशरीफ लाए, और यहां के लोकल कम्युनिटी लीडर्स से वो लोग बहुत बेहतरीन एक मीटिंग कंडक्ट करें, ताकि टिमरिस रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस के अपग्रेडेशन और उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और उसके एडमिशन्स को बढ़ाने के लिए वो लोग हमारे से यहाँ पे मशवरे का प्रोग्राम रखे, और वो प्रोग्राम में तमाम सूबे से लोग यहाँ पे शामिल हुए। हम लोग खास तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग यहाँ पे उनको एक याददाश्त नुमाइंदगी पेश किए, और वो याददाश्त की खास वजह यह है, उसका खास कॉन्टेंट ये है कि गुज़िश्ता 2007 साल में जब एपी आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत एक जियो इश्यू हुआ था, वो जियो एमएस नंबर 20 है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जो 2007 में हुआ था, और उसमें उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जबकि टिमरिस स्कूल के लिए यानी कि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए 8 एकड़ की ज़मीन का अलाटमेंट करे थे, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ के लोकल एंक्रोचमेंट के मसले आने की वजह से उसमें से दो एकड़ गायब हो चुकी यानी कि हट गई है, अब बच के 6 एकड़ ज़मीन है। और हम लोग यहाँ से हमारी जमात की तरफ से और तमाम ज़िले के मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी और ये प्रेशर डाले, सजेशन दिए साहब को कि गवर्नमेंट के नज़र में इसको ले जाए और जल्द से जल्द परमानेंट बिल्डिंग वहाँ पे 6 एकड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि 2007 के बाद जब और एक जियो भी इश्यू हुआ था, उस जियो के तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत 4,50,00,000 रुपए का बजट सैंक्शन फिर वापस चले गया। ये वापस जाने की वजह से टिमरिस के कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम बहुत हो गई, उस वजह से और आगे चल के ताकि वो दिए हुए अलाटमेंट की ज़मीन भी खाली ना जाए और दूसरों को अलाटमेंट ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर डाले हैं कि तुरंत इंशाल्लाह आइंदा महीने ही वो काम शुरू करने के लिए हमारे को तयखुन दिए शफीउल्लाह साहब। और गवर्नमेंट से भी हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नलगुंडा ज़िला एर्स्टवाइल नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, और नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज का भी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होना, जहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग वुमेंस कॉलेज और बॉयज़ के लिए अलग वुमेंस कॉलेज होना, इसके लिए भी हमने यहाँ पे नुमाइंदे की, उस पर भी साफ यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस दिए। और मैं यहाँ पे आज आप लोग के ज़रिए ये बात बताना चाहता हूँ
कि यहाँ के अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लास फोर के अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस पे हो रहे हैं, रिकमेंडेशंस पे हो रहे हैं, और नॉन माइनॉरिटीज को ज्यादा चांस दिया जा रहा है। यहाँ पे 80% लोग को माइनॉरिटीज को चांस देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में चांस देने के और ट्रांसपेरेंसी देने के लिए भी हम लोग नुमाइंदगी, जिसपे शफीउल्लाह साहब तय खून दिए कि वो जरूर इस ताल्लुक से यानी कि बोर्ड मीटिंग में रखेंगे और सैंक्शन कराएंगे। जजाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।